इस्कॉन छोटा सा नाम है, ISKCON इस्कॉन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, हिंदी में कहते अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन की संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, शिलो प्रभुपाद इस्कॉन का संस्थापक आचार्य। शिलो प्रभुपाद ब्रह्म माधुर्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे। ब्रह्म माधुर्य गौड़ीय संप्रदाय के मतलब है ब्रह्मा जी द्वारा जो परंपरा चली आ रहा है इन्हीं परंपरा के आचार्य थे। ब्रह्मा जी के शिष्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, नारद जी के शिष्य थे वेदव्यास। वेद पुराण उपनिषद महाभारत आदि उन्होंने वर्णन किया। इन्हीं के शिष्य हुए माधुर्याचार्य, कलयुग में आचार्य हुए, इसलिए इसी परंपरा को ब्रह्म माधुर्य संप्रदाय कहा जाता है। माधुर्याचार्य शिष्य हुए पद्मनाभाचार्य, पद्मनाभाचार्य शिष्य नूरुहरि आचार्य। इन्हीं आचार्य परंपरा में आज को 537 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राकट्य हुआ, उनके अनुयायी लोगों को प्राकट्य हुआ गौड़ देश में, जो गौड़ देश आज को बंगाल कहते हैं। इसलिए इसी परंपरा को ब्रह्म माधुर्य गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। आज को 500 साल पहले जो ब्रजभूमि आज दर्शन कर रहे हैं, वृंदावन आए दिख रहे हैं, ये सभी नाम निशान नहीं था, सारे मिट गया था। भगवान के पौपुत्र बज्रनाल जो 5000 साल पहले मंदिर बनाए थे वृंदावन है, गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर, मथुरा के आदि का सबसे मंदिर करे दाऊ जी तक पूरी 84 कोस में जितना मंदिर घाट उन्होंने बनाए थे, ये मंदिर सब तोड़ दिया गया था 1000 साल पहले मुसलमान आक्रांत के द्वारा। पुजारी यहां भाग गए थे, जो सेवा करने वाले थे शिव विग्रहों को मिट्टी के नीचे दफना करके पानी के कुंड में डाल करके जमुना पानी में डाल करके ऐसे भाग गए थे और सारे तोड़ दिया गया था, कोई नाम निशान नहीं थे। ये बात भगवान तो सब जानते हैं, मेरा धाम पूरा लुप्त है, इसलिए अपने अनुजायों को भेजे, अपना शिष्य अनुजाय को भेजे, बोले ब्रज में जाकर के ब्रज भूमि का लुप्त अवस्था से उद्धार करो, वृंदावन धाम में जो विग्रह है ऐसे विग्रहों को प्रकट करा, मिट्टी से निकालो, तुम दफना हुआ था ना मिट्टी में। तभी उन्होंने भगवान के आदेश पर यहाँ सड़क गोस्वामी आए वृंदावन ने गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर स्थापन किए, केसी घाट से राधा कुंड तक 84 कोस में जितना मंदिर घाट कुंड को आज को 450 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, मात्र 450 साल पहले इसको निर्माण करा, 450 से 500 साल बीच में सब मंदिर निर्माण करा गया। पूरी वृंदावन जितना टूटा हुआ मंदिर दिख रहे हैं, जितना घाट दिख रहे हैं, ये निर्माण करा गया था 450 से 500 साल पहले, 5000 साल के नहीं 450 साल पहले। किंतु इसके 100 साल बाद में पुनः मुसलमान आक्रांत आया, जिनका नाम था औरंगजेब, आप लोग मुगल इतिहास जानते हैं, औरंगजेब आया, उन्होंने आया पुनः ये मंदिर को तोड़ा, पुनः ये विग्रह को बचाने के लिए जयपुर का राजा यहां से गोविंद जी गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर राजस्थान ले लिया, वृंदावन की जो मंदिर था विग्रह ले लिए, और कुछ विग्रह तो ऐसे कुछ लापता भी हो गए, पता नहीं चला। जैसे मथुरा का जन्मस्थान की जो विग्रह आदि के संबंधित बोलते ये दफना हुआ है जुमा मस्जिद जो आगरा में, उनका मस्जिद का सीढ़ियों में दफनाई थी। और जैसे हरिदेव विग्रह थे नाथद्वार में, जो हरिद्वार हरिदेव विग्रह थे गोवर्धन में मानसी गंगा पर, अभी वो सिकंदरा में पास में है, सिकंदरा मतलब ये जो कानपुर के पास एक सिकंदरा है उसके पास है हरिदेव विग्रह है। और कुछ विग्रह आज ही है जैसे गरुड़ गोविंद विग्रह छोटीगरा में है, दाऊज विग्रह है, सेसाई विग्रह है, कुछ विग्रह आज ही है और कुछ विग्रह इधर उधर से चला। इन्हीं परंपरा में आचार्य हुए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इसी परंपरा को ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितमृत आदि अनेक वैदिक ग्रंथों इंग्रजी भाषा में कमेंट्री किया। ये प्रथम टीकाकारक जो इंग्रजी भाषा में श्रीमद् भागवतम दिया, चैतन्य चरितमृत दिया दुनिया के लिए। अपना शिष्य अनुजायों से 125 भाषा में इसको ट्रांसलेट कराया, जिन्हीं कारण से आज लाखों लोग मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी रशियन अफ्रीकन चाइनीज सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे, सनातन संस्कृति में शामिल हो रहे। कलयुग में भगवान से जोड़ने के लिए एक उपाय होता है जो सभी शास्त्र में लिखा गया, जैसे नारद जी कह रहे हरे नाम हरे नाम हरे नामे को केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति नतरा, और जो दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही ना रास्ता हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास कहते कलि युग केवल नाम आधरा सुमरि सुमरि नरो उतरी पारा, हरि नाम। और हरि नाम मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम, कोई देवी देवता नाम नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई साई बाबा का नाम नहीं, भगवान कृष्ण के नाम से जोड़ देना, साई कृष्ण साई राम, ये पाखंड सो काम है।
भगवान श्री कृष्ण को हरि कहते, उनका प्रिया को हरा कहते। उनका प्रिया कौन है? राधा रानी, उनको हरा कहते। हरा राधा रानी, जैसे कृष्ण का हजार नाम, ऐसे राधा रानी का हजार नाम, एक नाम हरा। हरा मतलब सबको हरण दुख हरण करने वाली, भगवान कृष्ण दुख हरण करते, इसलिए उनका नाम हरि। अब उनका प्रिया को हरा कहते, हरि हरा। हरा को संबोधन में हरे कहते, जैसे राधा को संबोधन में राधे, अम्बा को समय अम्बे, सीता को समय सीते, ऐसे हरा को हरे। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण। कलि संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी कह रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे राम मतलब, यहाँ राम मतलब भगवान श्री कृष्ण को राम कहते, भगवान का हजार नाम है। कृष्ण मतलब भगवान को कहते, सबको आकर्षित करते, इसलिए कृष्ण है। आप सबको आनंद देने के नाते उनको राम कहते। ये रघुनाथ जी को सेंस में नहीं समझा रहे, ये कृष्ण मतलब राधा रानी के साथ में कृष्ण को राम कहते। ऐसे राम तो परशुराम भी है, बलराम भी है, रघुनाथ जी राम है। ये यहां राम अर्थ कहता है कृष्ण को कहते हरे राम, मतलब राधिका रमण राम, हरे राम, ठीक है, राधिका रमण राम, ये कृष्ण हरे राम। और ये महामंत्र ब्रह्मा जी कह रहे, इति षोडशकम नामनाम कलिकल्मषनाशनम नात्र परत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम जो कलिजुग का कल्मष को नाश करने वाले, नात्र परत्र उपाय, इससे भीतर दूसरा कोई उपाय नहीं, सर्ववेदेषु दृश्यते, सभी वेद में देखा जाता है। इसको कहा जाता है कलिजुग का तारक ब्रह्म महामंत्र। चार युग होता है, हर युग का अलग अलग ब्रह्म तारक मंत्र होता है। ये कलिजुग का युग मंत्र है, इसी युग का तारक ब्रह्म महामंत्र कहा जाता है। इसी महामंत्र को जो पढ़े, इससे व्यतिर दूसरा कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे, असिलो प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इन्होंने इसी मंत्र को प्रैक्टिकल कराया। प्रैक्टिकल कहाँ कराया? भारत में सनातन धर्मियों बीच में नहीं कराया, जहां पर मेल्छ दुनिया था वहां कराया, जहां लोग गाय के मांस खाते थे, कुत्ते मांस खाते, चरस पीते थे, गंजा भूते थे, नशेड़ी थे, हिप्पी थे, ऐसे हिप्पियों को हरिनाम कराया। और वो हिप्पी आज चाक अभी तक पीते नहीं। गाय मांस खाने वाले, कुत्ते मांस खाने, सांप बिछने वाले, चंडाल, मिर्च आज ही लहसुन प्याज नहीं खाते। उनका हृदय परिवर्तन हुआ, सनातन धर्म को स्वीकार किए, सनातन संस्कृति में शामिल हुए, यही निशान है। जो लोग मिर्च दुनिया में रहने वाले थे, आज हरिनाम की प्रभाव इतना प्रभावशाली है, उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। अब यदि कोई हरिनाम करेगा, निश्चित परिवर्तन होगा। यदि ये सनातन धर्म को बचाना है, यदि ये भारतवर्ष को बचाना है, सनातन धर्म को, कल्चर को, संस्कृति को बचाना है, केवल हरिनाम। ये हरिनाम ही कर सकता, शास्त्र में लिखा गया, कलि युग का नाम आधार, सुमर सुर नर उत्तरी पारा, हरे नाम हरे नाम वो केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते वे, कलि युग दूसरा यही नाश करने वाला। यदि देश की संस्कृति बचाना, बच्चे में संस्कार देना, बच्चे में सही कल्चर देना, हरिनाम। इसलिए हरिनाम सिखाने के लिए इस्कॉन तरफ से ये व्यवस्था किया गया। आप लोग हरिनाम सिखा जाता, कैसे हरिनाम करना वो सिखा रहे। अब माला को पकड़िए सीधा हाथ में, ये तर्जनी अंगुली को अलग रखना, अपने नाभि से कमर से ऊपर रखना, कारण नाभि कमर से ऊपर रखने का जमीन, यही जप करने का तरीका किया जाता है, जमीन में नहीं लगाना, ठीक है। अभी जो फूल लगा, धागा लगा, इसको पकड़िए। तर्जनी अंगुली, हम लोग अंगुली करते, दूसरा का दोष देखते, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। ना हवन चढ़ा सकते, ना तुलसी चढ़ा सकते, ना हरिनाम कर सकते, किसी भी शुभ कार्य में नहीं लगाना। ये जो फूल लगा, धागा लगा, इसको पकड़िए। ऐसे बोले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मंत्र को एक बार मेरा पीछे बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, चैतन्य चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता, श्री अद्वैता, गदाधर, गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद, गौर भक्त। सिर्फ एक बार बोलना, इसके बाद में आगे वाला मोती पकड़िए। अगला वाला मोती जो पकड़ेंगे, धागा छिप जाएगा। देखिए धागा छिप जाता है, अगला तरफ धागा नहीं रहा, धागा के अगला तरफ से पकड़। मेरा पीछे चार लाइन महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। दूसरी मोती पकड़िए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। तीसरा मोती पकड़िए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। जैसे हम लोग तीन बार किए ना, ऐसे 108 बार बोलने से एक माला होगा। हम एक साथ में भी कर लेंगे, एक माला कर लेंगे। वृंदावन धाम में पद्म पुराण में कहा गया, अपने घर में एक माला करने से एक माला ही फल मिलता। यदि उसी माला को गोशाला में गोमाता के सामने कोई बेटी जप करेगा, उसको 100 गुण फल मिलेगा।
तुलसी महारानी सामने बैठी जप करेगा तो उनको 1000 गुण फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र गया गंगा पुष्कर आदि तीर्थस्थल में यदि एक माला करता उनको 10000 गुण फल मिलता। अब वृंदावन धाम ठाकुर जी घर है, यदि कोई एक माला कर लेता उनको 10000 गुण फल 1,00,000 गुण फल मिलता। इसलिए आप 1,00,000 के बेनिफिट मिल जाएगा। वृंदावन धाम में बैठी एक माला कर लीजिए, साथ में कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखिए अभी दूसरी माला कैसे किया जाता है इसको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी माला को जैसे जब करते करते जो सुमेरु तक आ गया, इस सुमेरु को क्रॉस नहीं करना चाहिए, जहां पर माला खत्म होता है वहां से ही शुरुआत करना पड़ता है। और शुरू में उसी मंत्र बोलते भगवान चैत्र महाप्रभु का मंत्र जो शुरू में किए थे उसको रिपीट करते दोबारा, मेरा पीछे बोलिए जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। ये मंत्र बोल के माला को ऐसा घुमा देना, घुमा करके आगे बढ़ना, ये जप करने का तरीका है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक और एक दो बात बताऊंगा जो एक मिनट आगे लूंगा। भगवान को कैसे प्रणाम करना और कैसे भगवान को प्रेयर करना, ये चीज सीखना है। अब भारत में 99% लोगों को पता नहीं होता कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, वही बात बताने के लिए चाहता हूँ। मेरा पीछे सब बोलिए हे भगवान श्री कृष्णा, हे भगवान श्री कृष्णा, हे शरणागत रक्षक, हे शरणागत रक्षक, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। आज से आप लोग ठाकुर जी के हो गए, ये बात ठाकुर जी बोला, मैं नहीं बोला। वाल्मीकि रामायण की युद्ध कांड की 18 स्वर्ग में चैप्टर को स्वर्ग कहते रामायण में 18 स्वर्ग में 33 श्लोक में जो विभीषण महाराज भगवान के शरण में गया ये प्रसंग आता है। उसी समय लिखा गया 33 श्लोक में ठाकुर जी कहते मेरा वादा है, मेरा वचन है, यदि कोई एक बार मेरा शरण में आया वो मेरा ही हो जाता है। 34 श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हे सुग्रीव, ये विभीषण क्या, यदि रावण स्वयं आ जाए एक बार मेरा शरण वो मेरा ही हो जाएगा। यदि पापी वाले पापियों से पापी व्यक्ति को मध्य ठाकुर जी बोलते मेरा शरण कोई आ गया वो मेरा हो जाता है। ठाकुर जी तो एक बार बोला, हम लोग रोज रोज उनकी प्रणाम करेंगे, जब भी प्रणाम करेंगे क्या बोलना, हे शरणागत रक्षक मैं आपके शरण में हूँ। किंतु ठाकुर जी सामने प्रणाम नहीं करना, ठाकुर जी सामने प्रणाम करें कोई फल नहीं मिलता, निष्फल हो जाता है। इसलिए बचपन से जो प्रणाम किया सारे निष्फल है, लोग नहीं जानते। 99% लोगों को भारत में पता नहीं किसको, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता, 99% ज्यादा लोगों को पता नहीं। शास्त्र में कहा गया शोभा में प्रणत विष्णु दक्षिणे गौर शंकर गुरु भाग्रे प्रणाम तो अन्यथा निष्फला भव। अपनी बाम भाग से भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए, अपना दाहिने शिव पार्वती प्रणाम करना चाहिए और गुरु जी के सामने प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो प्रणाम निष्फल हो जाता। कैसा उल्टा हाथ में, देखिए मेरे को, मैं उल्टा हाथ में ठाकुर जी इधर है लेफ्ट साइड में, ठाकुर जी है, ठीक है, ठाकुर जी लेफ्ट साइड में है, अपने लेफ्ट में ठाकुर जी रखना, इधर से मुकर के प्रणाम करना। प्रणाम टाइम है पुरुषों लोगों के लिए साष्टांग दंडवत और माताओं के लिए पंचांग भधा प्रणाम, ठीक है, ये प्रणाम का नियम है। ऐसे ही शिव पार्वती जब प्रणाम करते अपना दाहिने रखना, अपने दाहिने रखना, शिव पार्वती ऐसे ही उल्टा पड़ा। अब गुरु जी बैठते गुरु जी के सामना, जैसे गुरु जी बैठे गुरु जी के सामना में, जिसे गुरुजन व्यक्ति है, जैसे माता पिता हो, साधु संत हो, देवी देवता, हनुमान जी, गणेश जी को तुलसी महाराण के सामना प्रणाम कर लेना। और ठाकुर जी के लिए राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह भगवान, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ऐसे भगवान विष्णु तत्व में जो भी भगवान आते हैं उनको सबको अपना उल्टा हाथ साइड में प्रणाम करना, लेफ्ट हैंड में रखिए। और गौर शंकर के लिए, शिव पार्वती के लिए अपना दाहिने रखिए प्रणाम करना, ये प्रणाम करना विधान है, ठीक है। और माताओं के लिए पंचांग आधा प्रणाम, कोई माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए कभी भी भूल कर गलती से, ठीक है। साष्टांग कैसे मतलब, पंचांग मतलब घुटने पर प्रणाम करना। ऐसा ही लिखा गया धरती माता अमर स्तन है, स्त्री का स्तन और घंटी घंटा घंटा शंख जमीन में रखने, धरती माता सह नहीं सकता है, धरती माता बोलते हमेशा नहीं सकता, इसलिए उनको जमीन में साष्टांग नहीं करना चाहिए, इसलिए पुरुषों को गले साष्टांग दंडवत करा जाएगा, ठीक। दूसरी बात है भगवान को कैसे प्रणाम करना, कैसे प्रेयर करना। भगवान के धाम में जा, भगवान के पास जाते खड़ा होते शिव विग्रह के सामने में, वहां एक गुंगा नहीं बनना चाहिए, उनको प्रार्थना करना, प्रेयर करना चाहिए। और प्रेयर मेरा पीछे बोलो,
हे भगवान श्री कृष्णा, हे भगवान श्री कृष्णा, आपके चरण कमल में, आपके चरण कमल में मेरी मेरी अविचल भक्ति, अविचल भक्ति बनी रहे, बनी रहे, आपके भक्तों के प्रति, आपके भक्तों के प्रति सदैव सदैव मैत्री भावना बनी रहे, मैत्री भावना बनी रहे, और संसार के सभी जीवों के प्रति, और संसार के सभी जीवों के प्रति दया करुणा भावना बनी रहे, दया करुणा भावना बनी रहे। ये तीन प्रार्थना कोई मरने तक भूलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए रोज ना ठाकुर जी सामने आ जाएंगे, बोलना चाहिए ठाकुर जी आपके चरण अविचल भक्ति, अविचल मतलब किसी परिस्थिति में मेरा भक्ति नष्ट न हो जाए, सुख में दुख में हानि लाभ मान अपमान किसी परिस्थिति में, इसलिए अविचल भक्ति माना अटल भक्ति बनी रहे। दूसरी प्रार्थना करना, आपके जो भक्त है वैष्णव है उनके प्रति मैत्री सुहृद भावना बने जाए। तीसरी दिख रहे भगवान के भक्त का वैष्णव अपराध होने से हमारा भक्ति नष्ट हो जाता, सर्वनाश हो जाता है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों नाश हो जाता है, इसलिए भक्तों प्रति फ्रेंडशिप बनी रहे। तीसरा प्रार्थना करना, सभी जीवों प्रति दया करुणा भावना बने के रहे। हम लोग आतंकवादी नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं करता, गला काट दो। सनातन धर्म की शिक्षा यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कस्य दुःखं भवेत्। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है, अधर्म में रहने वाला, विधर्म में रहने वाला व्यक्ति धर्म कहा नहीं जाएगा। गाय के मांस खाने वाले, कुत्ते मांस खाने वाले, ये भी धर्म है, अधर्म कार्य कर रहे हैं। जिसे दया नहीं है, करुणा नहीं है, धर्म हो नहीं सकता। धर्म की मतलब दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, क्षमा गुण होना चाहिए, ये गुण नहीं तो धर्म कैसा कहा जाएगा। हम लोग अधर्म रहने वाले को बोले वो भी धर्म है, ऐसे नहीं। इसलिए ये सनातन धर्म सभी के लिए आवश्यक है, मुसलमान के लिए आवश्यक है, क्रिश्चियन के लिए आवश्यक है, हिंदू के लिए आवश्यक है, अमेरिका वाले के लिए आवश्यक है, ऑस्ट्रेलिया वाले के लिए आवश्यक है, रशिया वाले के लिए आवश्यक है, सभी के लिए सनातन धर्म। सनातन मतलब पहले था, अब यह आगे भी रहेगा। जो जीवन को दे रहा है, बचा रहा है, बचाएगा, उसको सनातन कहा जाए। जिससे दया करुणा होता है, ये सभी के लिए मानव धर्म मतलब सनातन धर्म। सनातन धर्म का परिभाषा यही है, सनातन धर्म नहीं कोई मजहब का धर्म होता है, सभी के लिए आवश्यक है। अब ये नहीं तो बच नहीं सकता, संसार जी नहीं सकता, संसार रह नहीं सकता। इसलिए धर्म मतलब दया होना चाहिए, करुणा होना, हर जीव पर दया होना चाहिए। चिट्टी को देव प्रेम करने के लिए कहा गया, चिट्टी से लेकर ब्रह्मा तक हर जीव को दया करे, सब पर करुणा करे। और ये चीज गुण भगवान भगवद गीता में कहे, भगवद गीता में यदि मेरे कोई प्रिय बनने के लिए चाहता है, अदृष्ट सर्वभूतानं मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सतत जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्जा पित मन बुद्धियो सौम्य भक्त प्रिय। वही भक्त मेरा प्रिय जो द्वेष रहित हो गया सर्वभूतानं, सर्वभूत सभी जीव प्रति मैत्र करुणा एव च, सभी प्रति मित्रता रखता है, सभी प्रति करुणा भावना रखता है, और निर्मम माने स्वामी तो हमने मालिकपण से रहित होता है, स्वामी तो मेरे मालिक, मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, ये भावना नहीं रहता है। निरहंकार अहंकार शून्य हो जाता है, सुख दुख में समभाव रखता है, और सभी जीव प्रति क्षमाशील होता है। इसके साथ होता है अदृष्ट सर्वदान मैत्र करुणा होता है, निर्मम निरहंकार समद को सुख क्षमा संतुष्ट सतत जो कि जतात्मा दृढ़ संतुष्टि रहता है। चाणक्य पंडित बोले चार चीजें संतुष्ट रहना चाहिए, चार चीजें संतुष्ट किससे रहना चाहिए, अपने पहले भोजन में संतुष्ट होना चाहिए, जो भोजन मिला उसे भगवान ने पराधोली मान के भोजन कर लेना चाहिए। दूसरा संतुष्ट होना धन संपत्ति में संतुष्ट ही रहना चाहिए, जो धन मिला वही पराधोली मान के रहना चाहिए। तीसरा संतुष्ट किससे होना चाहिए, पति पत्नी में संतुष्ट ही रहना चाहिए। चौथा हमें मान सम्मान में संतुष्ट होना चाहिए। ये चार चीजें संतुष्ट, संतुष्ट में सतत जोगी जतापा दृढ़ निश्चय, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा क्या करूं, भगवान बोलते जतन करो, जतना कर, जतन मतलब प्रयत्न कर, प्रयास कर संतुष्ट होने के लिए। अब दृढ़ निश्चित हो जाए, स्थिर बुद्धि कर लो, अब मरिया बुद्धि मन, अपनी मन और बुद्धि मेरे में जो लगा हुआ है वही व्यक्ति मेरा प्रिय है। भगवान ने गीता की 12 अध्याय की 13 14 नंबर श्लोक में कहा है, भगवान की बात है, ठीक है। इसीलिए हम सभी भगवान को प्रार्थना करें, गुण तो आप पास नहीं है, ठाकुर जी आपकी कृपा से गुण मिल जाए, इसलिए तो प्रेयर कर रहे हैं। आपकी कृपा से सभी जीव प्रति हमको दया करुणा भावना बनी, ठीक है, ये प्रयार करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिए हैं, आप सुने।